हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल मैं हूँ डॉली गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस गाइस तो guys, आज मैं फिर आ चुकी आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए और ये जो प्रोडक्ट है आई सेडो पैलेट है गाइस और ये जो आई सेडो पैलेट है मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है और काफी अच्छी आई सेडो पैलेट है और इसमें भी सिक्सटी फोर कलर है इससे पहले भी मैंने एक रिव्यू किया था आई सेडो पैलेट का और वो एंजल रोज आई सेडो पैलेट थी गाइस और उसके बाद मैंने मंगाई है फ्लिपकार्ट से एक न्यू आई सेडो पैलेट और काफी अच्छी आई सैडो पैलेट है गाइज और इसमें भी सिक्सटी फोर कलर्स तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप गाइज मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी आईसेडो पैलेट है गाइज तो गाइज जिस में आई का कर रिव्यू करने वाली हूं वो है ये ये है मिस गोल्ड की आई पैलेट काफी अच्छी आई पैलेट है मैंने इसको ओपन कर लिया था गायज और आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी हम कोई कोई भी प्रोडक्ट जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं गाइस तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं उसको ओपन करने के लिए कि वो कैसी है क्या जल्दी से देखना पसंद करते हैं तो गाइस मैं भी ऐसी ही हूँ और मैंने जल्दी से इसको ओपन करके देख लिया ये कैसी है तो आप लोगों के साथ भी मैं इसको शेयर करती हूँ गाइस इसको मैंने कार्डबोर्ड से तो निकाल लिया था और मैंने इसको वैसे अभी एक भी बार यूज़ नहीं किया है तो गाइस ये है कुछ इस प्रकार की आप देख सकते हैं गाय काफ़ी कलरफुल और काफ़ी अच्छी आई सैडो पैलेड है इसमें भी 64 कलर्स हैं एक बार अगर आप कोई भी व्यक्ति जैसे हम लोग तो वीडियो बनाते हैं तो अगर अलग तो हम लोग तो वीडियो बनाते हैं गाय तो हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेते ही रहते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो एक बार ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आई ऐसे प्रोडक्ट में जैसे आई हुआ या फिर फाउंडेशन हुआ तो उनके हिसाब से आई सेडो पैलेट काफी अच्छी है एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो काफी समय तक चलेगी और काफी अफोर्डेबल है ये तो मैं बता ही चुकी हूँ गाइज तो गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की आई पैलेट है और इसमें एक ब्रश दिया हुआ है और इसको का... तो गाइस इस आई शेडो पैलेट को कवर करने के लिए इसमें कुछ इस प्रकार की पॉलिश लगी हुई है और इसमें एक ब्रश भी दिया हुआ है सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक ब्रश है किसी भी आई बहुत कम आई शेडो पैलेट में ब्रश आता है और ये दोनों प्रकार दोनों तरफ से है तो इसको अगर अगर आप लोगों के पास ब्रश नहीं है तो इसमें ब्रश भी दिया हुआ है और इसको आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी तो गाइस बात करते हैं आई पैलेट की है। बात की जाए गाइज इसमें सारे कलर्स हैं काफ़ी काफ़ी कलरफुल आई सैडो पैलेट है और काफ़ी ब्राइट कलर है गाय मुझे ब्राइट कलर बहुत पसंद है मैं ज़्यादातर जब भी अप्लाई करती हूँ मतलब जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं तो ज़्यादातर ब्राइट कलर का मेकअप ज़्यादा सूट करती हूँ गाय तो बात करें इसकी पिगमेंटेशन की गाय तो पिगमेंटेशन तो इसकी काफ़ी अच्छी है ये देखिए वन स्ट्रोक में ही कलर पिक हो रहा है गाइज और इसमें मैट कलर भी हैं सिमरी शेड भी हैं इसमें और गलेटर आई सैडो भी हैं इसमें हर प्रकार के इसमें कलर दिए हुए हैं और हर प्ल हर प्रकार का आई सैडो इसमें है इसमें ग्ले बात करें तो ग्लेटर भी है इसमें मैट भी है और सिमरी भी है तो आपको अलग अलग प्रकार की कोई भी आई सेडो पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं है आप एक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इसमें और बात करते हैं इसकी पिगमेंटेशन की तो बन स्ट्रोक में ही पिगमेंटेशन इसकी पिक होती है ये देखिए कलर बहुत अच्छे से पिक हो रहे हैं है आपको जो पिगमेंटेशन दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर है ये देखिए अब ओफ ओ, ये देखिए बहुत सुंदर कलर है गाइस और जब जब मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इससे मेकअप करने के लिए और चलिए मैं दिखाती हूँ इसको सिमरी शेड में इसकी पिगमेंटेशन कैसी है गाइस तो ये सिमर शेड है ये देखिए आपको इसमें शाइन दिख रही होगी गाइस और इसमें सिमर शेड में दिखाती हूँ ये भी सिमर शेड है ये देखिए और इसमें ये भी ये तो गिलेट सॉरी और इसमें ये भी शिमर शेड है तो गाइस पिगमेंटेशन से तो आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया है और ग्लेटर आई की बात की जाए तो ग्लेटर आई भी इसमें अच्छे से पिक हो रहे हैं कि नहीं वो भी मैं दिखा देती हूँ तो ग्लेटर आई भी अच्छे से पिक हो रहे हैं और अच्छे से जब पिक हो रहे हैं तो अच्छे से अप्लाई भी हो जाएंगे गायस और फॉल आउट हो रहा है कि नहीं ये तो मैं अभी आपको बता देती हूँ अभी आपको बता दूंगी तो इससे मैं आपको थोड़ा सा मेकअप करके दिखाऊंगी कि ये कैसा कैसी और इससे मेकअप कैसा रहेगा तो गाइस चलिए इसकी पिगमेंटेशन मैं आपको थोड़ी सी हैंड पे भी दिखा देती हूँ कि इसकी पिगमेंटेशन कैसी है गाइस तो लेते हैं कलर्स और ये देखिए तो ये जितने भी कलर्स इसमें दिए गए हैं इनकी सबकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है तो जब ये एक बार ए वन ए स्ट्रोक में ही इतने अच्छे से आ रहे हैं तो ये काफी अच्छे से अप्लाई हो जाएंगे तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इनसे मेकअप करके दिखाती हूँ इसमें जो ब्रश दिया गया है मैं उसी की हेल्प से आपको ब्रश की हेल्प से ही आपको दिखाती हूँ कि ये कैस तो मतलब इससे मेकअप कैसा रहेगा तो सबसे तो सबसे पहले मैं जो कलर ट्रांजिशन शेड के लिए पिक करूंगी वो होगा मेरा ये कलर ब्राउन शेड आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्रश में पिक हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गाइस आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया से ये कलर अप्लाई हो रहे हैं ये एक ही स्ट्रोक में बहुत अच्छे से अप्लाय हो रहे हैं और काफी पॉप आउट हो रहे हैं ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब दिख ना रहे हों काफी अच्छे से दिख रहा है आप देख सकते हैं तो कैसे उसके बाद में लूंगी ये कलर पर्पल कलर है ये डार्क पर्पल शेड है इसको मैं अपने लिट पे करूंगी ओ काफी अच्छी लग रही करूंगी गाइस तो आप देख सकते हैं गाइस कि काफी अच्छे से ये अप्लाई हो रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है कोई भी और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ब्लेंड बहुत अच्छे से अच्छे हो, हो रहे हैं ये ये जो ब्रश है ये ब्लेंडेड मतलब इससे आई शेडो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है ब्लेंडेड आई ब्लेंड करने के लिए एक, एक फ्लपी सा ब्रश हमें लेना होता है उससे अच्छे से हमें आई अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं लेकिन ये जो है इससे भी अच्छे इससे भी आई साइडो हो रहे हैं और कलर तो बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं कलर अच्छे से पिक हो रहे हैं गाय तो मैं इसको थोड़ा सा अपनी दूसरी आइज़ पे भी इसको अप्लाई कर लूँगी कि जिससे मेरी दोनों आइज़ एक सी लगें अलग अलग ना लगें ओ माई कॉड गाइज मुझे तो ये आई सेट बहुत अच्छी लग रही है आप मुझे बताइएगा कि आपको ये पैलेट कैसी लगी और कलर कैसे लगे गाइस ओफ। बहुत बढ़िया है गाय तो गैज ये आई शेडो पैलेट जो है ये तो मुझे बहुत पसंद आई है और आप मुझे भी आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी गाय तो, तो गैज बात करते हैं इसके रेट की तो ये गाई। मुझे गाय शायद फो, अंडर फोर हंड्रेड में मिली थी गैज ये काफ़ी अच्छी एम पिक तो मैं लगाई दूँगी आपको लिंक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गैज और तो गैर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो चलते हैं तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ओके बाय बाय